Assalamu alaikum students, welcome to the channel again. This is Minhajuddin with the present perfect tense. Let's talk about this tense. We'll cut it short, simple and concise. The first thing you have to understand is the formula of the tense, that is the subject at the first, helping verb, the third form of the verb and the object. Okay, the subject can be a noun or a pronoun, object can be a noun and a pronoun, and the helping verb here is has and have. This is a very simple concept. You can understand this tense. You have to put a subject right here, first of all a subject, and then a helping verb that can be has and have, and then a verb, the third form of the verb. Okay, and then there will be an object. अगर हम इसको simplify कर लें तो यहाँ पे एक noun लगाना है किसी भी चीज का नाम, फिर आपने वो helping verb लगाना है has या have, verb की third form लगानी है. Verb की third form, ये वर्ब सिर्फ एक ऐसी चीज है जो सेंटेंस में आप लोगों को याद करनी है, बाकी कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपने याद करनी हो, रट्टा लगाना हो. वर्ब इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू लर्न बाय हार्ट, एंड देन देयर इज एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट कोई नाउन हो सकता है या फिर कोई भी प्रोनाउन हो सकता है. ओके, हैज कब लगेगा, हैव कब लगेगा? सब्जेक्ट अगर आपके पास सिंगुलर है, फॉर एग्जाम्पल प्रोनाउन की अगर हम बात करते हैं, I का डिफरेंट कैसे, ही शी इट है, तो उसके साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैज, और दे है, आई है, यू है, तो उसके साथ हम लगाएंगे हैव. एंड इफ यू हैव सिंगुलर नाउन, दैट इज एक सिंगल पर्सन का नाम है, तो उसके साथ आप लगाएंगे हैज. अगर दो या दो से ज्यादा बनते हैं तो उसके साथ आप हैव लगाएंगे. वेल, नाउ प्रैक्टिस मैक एग्जाम, मैक सेंटेंसेस. हियर आई गिव यू एन एग्जांपल, दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड द फॉर्मूला ऑफ द टेंस. द सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. आई एम मेकिंग अ सेंटेंस हियर. She has gone to school. Well, she is actually this thing. She is singular pronoun. And if you are using she, then it means you have to use has after it. Or ये हैज आपने यूज कर दिया, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको. शी अगर आपने सब्जेक्ट यूज किया है तो डेफिनेटली आपने यूज करना होगा हैज, जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा. एंड देन गो की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन, द थर्ड फॉर्म ऑफ द गो. उसके बाद आपका जनरल सेंटेंस आ जाता है, टू स्कूल, टू बाजार, टू मार्केट, टू वेयर एवर द प्लेस ही गोज. अब इसको अगर हम क्लासिफाई करते हैं तो ये जो शी है ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और हैज जो है आपका हेल्पिंग वर्ब है, जो कि ये वाला, ठीक है, और गॉन जो है वो आपका वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है. याद रखें इस टेंस में परफेक्ट जहां पे भी आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या फिर पास्ट परफेक्ट हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है. इनको इनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपका हेल्पिंग वर्ब है जो कि आपके इन सेंटेंसेस के बीच में डिस्टिंग्विश करता है. और उसके बाद आता है टू, जो कि प्रीपोजिशन है, दिस वन टू इज अ प्रीपोजिशन, या और उसके बाद आता है आपका स्कूल, स्कूल जो कि नाउन है और ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे एक्ट करता है. उसके अलावा कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे हैं, दे एक प्लूरल है तो उसके साथ हम लगाएंगे है, दे प्लूरल है तो उसके साथ हम लगाएंगे है, और उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू स्कूल. एग्जैक्ट सेम सेंटेंस है, सिर्फ हमने सब्जेक्ट चेंज किया तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक चेंजिंग आ गई जो कि है, उसके अलावा कोई किसी किस्म की कोई चेंजिंग नहीं आती.
उसके अलावा है हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल, आई हैव ईटन द एप्पल, आई हैव ईटन द एप्पल, आई लगाया। इसका इसके केस आई और यू का की सिचुएशन ये है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो भी होता है उसके साथ हमेशा हमेशा आपका प्लुरल वाला केस लगता है, क्योंकि इनका इनका प्रोसेस शिफ्ट होता रहता है। इसके ऊपर एक कंप्लीट लेक्चर जब हम प्रोनाउन को एक्सप्लेन करेंगे तब मैं आप लोगों को कंप्लीट लेक्चर दूंगा। फिलहाल आप ये समझें कि जो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है उसके साथ हमेशा प्लुरल वाला केस लगता है, ठीक है। और नेक्स्ट आता हमारे पास फोर्थ, सलीम एंड आसिम, सलीम एंड आसिम है बीच में। ये जो एंड है ना इसका बड़ा फंक्शन है, एंड का मतलब होता है एक चीजों को कलेक्ट कर रहा होता है, कंबाइन कर रहा होता है, यानी प्लूरल के तौर पे पेश कर रहा होता है एंड। सलीम एंड आसिम हैव कलेक्टेड द मनी। अब ये प्लूरल है तो इसका मतलब क्या हो गया, हैव लगना होगा, इधर हैव लगाना होगा। हमने हैव लगा दिया, हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कलेक्ट कलेक्टेड कलेक्टेड, ये आपका रेगुलर वर्ब है जो कि कलेक्टेड आपने लगा दिया द मनी। उसके बाद अभी आपने जो करना है दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू डू, प्रैक्टिस, राइट। इसके आप जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, जितने ज्यादा आप सेंटेंस याद रखें, आप किसी चीज को ट्रांसलेट ना करें, जस्ट एक एक प्रोनाउन पिक कर लें और उसके साथ अगर सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ हेज लगाएं, प्लूरल है तो हैव लगाएं, और उससे आगे एक वर्ब उठा के लाएं। आप अपनी बुक से वर्ब उठा के लाएं, बेशक आप देख के लिखें, डजंट मैटर, देख के लिखें, और उसके बाद आपने क्या लगाना है, उसके उसके रेलेवेंट कोई आपने क्या करना है, कोई आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है, ठीक है। और आप मुझे जो सेंटेंस बनाते हैं बना के आप मुझे सेंड कर सकते हैं, यू कैन सेंड इट टू मी ऑन माई फेसबुक, माई इंस्टाग्राम, मेरे ब्लॉग में आप सेंड कर सकते हैं, इवन यूट्यूब में नीचे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप, मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा जो मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप है उसका, ठीक है। तो प्रैक्टिस कर लें, और जहां पे आपको इश्यू होता है यू कैन कॉन्टैक्ट मी, दैट्स गोना बी ग्रेट। आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। एंड द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज मेक द नेगेटिव्स ऑफ द सेंटेंसेस। नेगेटिव्स बनाने के लिए आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। हेल्पिंग वर्ब जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, बहुत ज्यादा वाजे है, जो कि है एक हेल्पिंग वर्ब हमारे पास हेज है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हेल्पिंग वर्ब हेज लगता है, और सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब हेफ लगता है। दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल आइडिया। हेज है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने हेज लगा दिया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपने हैव लगा दिया। अब आपने आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, सेंटेंस में कोई चेंजिंग आपने नहीं करनी, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है, और कुछ भी नहीं करना। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपने नॉट लगाना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी हैज नॉट संग सॉन्ग, जैसे सेंटेंस होना चाहिए। नॉट को अगर आप कंसिडर ना करें 2 मिनट के लिए तो आप क्या करेंगे, शी हैज संग अ सॉन्ग, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी अ सॉन्ग, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। अब आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ और सिर्फ नॉट लगाना है, नॉट लगाने से आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, दे हैव नॉट डेवलप्ड द सॉफ्टवेयर, नॉट लगा दिया। शाकिर एंड जीशान हैव नॉट प्लेड वेल, सिंपल है। आगे चलते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपने जो हेल्पिंग वर्ब है उसको सेंटेंस के शुरू में लेके आना है, और उसके बाद आपने जो सेंटेंस था ऐसे ही आपने लिखना है, और आखिर में आपने क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। हेल्पिंग वर्ब जो भी होता है सेंटेंस के शुरू में आता है तो सेंटेंस इंटरोगेटिव बन जाता है। हैज ही लिफ्टेड द वेट, ही हैज लिफ्टेड द वेट होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया, इसको इंटरोगेटिव में चेंज करने के लिए इसका हेल्पिंग वर्ब हमने क्या किया, सेंटेंस के शुरू में इसको फिक्स कर दिया, तो ये क्या बन गया, ये इंटरोगेटिव बन गया। जैसे यहाँ पे हैव दे कंप्लीटेड द वॉक, आप सब जो मेरी ये वीडियो देखते हैं 10 सेंटेंस बनाएं और मेरे साथ शेयर कर दें, और अगर कोई इश्यू हो यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। एंड अल्लाह हाफिज, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।